मेरा मॉडलिंग से बड़ी स्क्रीन तक का सफ़र, और फिर स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगी कि हुमैरा ने एक रियलिटी शो में भी गई और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी जो तमाम जो स्किल्स थी उसको बड़ा बेहतर अंदाज में किया, बहुत पॉपुलर भी हुई हुमैरा। पहले तो मॉडलिंग से बड़ी स्क्रीन एंड देन रियलिटी शो की जाने आएंगे, कैसा जर्नी रहा आपका? जर्नी मेरा बहुत ज़्यादा टफ रहा शुरू में, क्योंकि मेरे कोई गॉडफादर कोई यहाँ पे नहीं थे, बिकॉज मेरी अपनी जो फैमिली है दे आर मेरे अब्बा माशाल्लाह डॉक्टर हैं, अम्मा डॉक्टर हैं, भाइयों का बिल्कुल एक अलग तरह सा एक यानी फैमिली का था। फिर शुरू में जब मैंने अपना फाइन आर्ट्स पढ़ा, मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँगी तो वे फिर टाइमिंग बहुत हम लोगों की ज़रा चेंज होती थी, क्योंकि जो बाकी जो कॉलेजेस के वो 1-2 बजे उनकी ऑफ हो जाता था, हम लोगों का होता था कि 6 बजे थिएटर भी कर रहे हैं, डांस भी सीख रहे हैं, म्यूज़िक भी हो रहा है, फिर हम लोगों के वो थीसिस की तैयारियां होती थी, 6-7-8 बज जाते थे, तो वो फिर थोड़ी सी ज़रा शुरू के दिनों में बहुत टफ था टू कन्विंस माय पेरेंट्स। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके जब उन्होंने देखा कि नहीं बच्ची में टैलेंट है और वो अच्छा पेंट कर सकती है, अच्छा यानी परफॉर्म कर सकती है, तो क्यों नहीं। और मेरी माँ की बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट है, और मेरी अम्मा ही थी जिन्होंने जो मुझे शुरू दिन से बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, और मेरे घर में वो मेरे साथ खड़ी रही और अब्बा को भी मनाया। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स की सपोर्ट अगर आपको मिले तो आपकी जो जर्नी है वो इजी हो जाती है। मेरा थिएटर करना, थिएटर में मुझे लगता है बहुत एक डिफरेंट एक्टिंग आपको स्किल्स दिखानी पड़ती है, यू हैव टू बी लाउड और लाइव परफॉर्म करना है, थिएटर का एक्सपीरियंस एंड देन टीवी एंड देन फिल्म्स। थिएटर का जो है मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ, मैं थोड़ी सी यू नो बहुत ज़्यादा अपने काम के साथ और यानी पढ़ाकू किस्म की बच्ची थी। तो हमारे टीचर हैं शाहनवाज़ जैदी, माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, इसरा चिश्ती हैं माशाल्लाह, और ज़फ़रुल्ला साहब हैं, इस तरह के जो हमारे जो असातिज़ा हैं उनका मेरा साथ रहा कॉलेज के टाइम में। तो उन्होंने मुझे किसी ऐसी मुझे पकड़ लिया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे अंदर वो एक चीज़ है कि तुम जब यानी वो खड़ी होती हो तो तुम यू नो अच्छा यानी परफॉर्म कर सकती हो, हमें लगता है कि 1-2 प्लेस में हम तुम्हें साथ लेके चलते हैं। सो सिंस आई वाज स्टडिंग इन NCA तो उस वक्त 1-2 प्लेस मैंने किए थे, तो वो बड़ा एक अच्छे उसका मुझे आया रिस्पॉन्स आया, 5 दिन का प्ले था और डेली हो रहा था। तो उसके बाद यू नो फिर ऐसा फिर वो सिलसिला शुरू हुआ कि माइम भी सीखा मैंने, माइम भी मैंने जो है परफॉर्म किए, और उसके बाद जब आफ्टर माय स्टडी जब मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद मुझे अलहमरा आर्ट्स काउंसिल से मुझे स्पेशली जो है मतलब इन हाउस आर्टिस्ट के तौर पर उन लोगों ने मुझे 3 साल तक काम करवाया, और उसमें आई हैव डन सो मेनी प्लेस विद कबीर खान साहब के साथ, मैंने लीड पर मैंने काम किया, जावेद रिजवी साहब हैं, सलमान शाहिद साहब के साथ, उस्मान पीरज़ादा के साथ जो है प्लीज, तो वो मेरा लेजेंड्स मतलब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और उनके साथ लीड पे मतलब करना, और मैं उस वक्त बहुत यानी छोटी थी, उतना मैंने नहीं पता था फील्ड का, लेकिन जो वो थिएटर मैं ये समझती हूँ जो इंसान को एक आर्टिस्ट को जो वो सिखा देता है, क्योंकि आपका स्टेमिना आपका टेम्परामेंट, यू हैव टू परफॉर्म इन जस्ट वन गो, और आप वहीं से टेक का चांस ही नहीं है। एग्जैक्टली, और यू नो आपने उस मोमेंट के अंदर रहना होता है, और आप अगर आपकी कोई विस्पर भी है छोटी सी तो वो भी आपकी जो आखिरी सीट पे जो बैठा है बंदा वो आपका टारगेट होना चाहिए, और वो नब्स पे जो हाथ रखना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।